बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत ने बड़े ही जोरदार ढंग से अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बुलडोजर को भी आगे रखना नहीं भूल रही। राजरानी रावत के नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा लाए गए बुलडोजर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। सड़क पर खड़े इन बुलडोजरों पर जिसकी भी नज़र पड़ती, चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। नामांकन जुलूस के दौरान कार्यकर्ता इन बुलडोजरों पर चढ़ गए और उन्होंने जुलूस पर जमकर फूल बरसाए। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता नगर के जीआईसी ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मंत्री, विधायक और एमएलसी शामिल हुए। बताते चलें, 54 वर्षीय राजरानी रावत निंदूरा ब्लॉक के कुर्सी थाना क्षेत्र के सैंदर गांव की रहने वाली हैं। इनके पति राजकरण रावत रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर हैं। इंटर पास राजरानी रावत वर्ष 2002 में फतेहपुर विधानसभा सीट से भाजपा से विधायक रह चुकी हैं। राजनीतिक हालात बदले तो उन्होंने भाजपा छोड़ दी और साल 2012 में सपा का दामन थाम लिया। साल 2014 में सपा ने उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे चुनाव हार गए। साल 2019 को वे फिर से भाजपा में लौट आईं। साल 2021 में भाजपा के टिकट पर वे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गईं और अब राजरानी रावत लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।